Assalamualaikum, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं KFC चिकन विंग्स, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजे के। तो इसके लिए हमें जो चीजें चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिए हैं चिकन विंग्स 1 किलो, नमक लेंगे हम 1 टेबल स्पून, सिरका लेंगे हम 2 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, विंग्स पे नमक और सिरका लगा के रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्मेल है ना वो दूर हो जाए, और इसमें जो रेड रेड कलर है ना, मतलब ब्लड नज़र आ रहा है ना, वो भी दूर हो जाएगा। तो ये आप लाजमी कीजिएगा, इससे आपका जो चिकन होगा ना बाद में ज़बरदस्त कुक भी होगा, और साथ में उसमें जितनी भी स्मेल होगी और ब्लड होगा ना वो निकल जाएगा। तो ये आपको टिप है, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ KFC चिकन विंग्स के लिए कर रहे हैं। आप कोई भी ऐसी रेसिपी बना रहे हो ना, फ्राई या बारबेक्यू कर रहे हो, तो सबसे पहले आपने यही करना है, ठीक है? इससे ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे सिरका, और अब लगाएंगे नमक, और इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, मतलब लगाएंगे हम विंग्स पे। चलें, ये लगा दिया, और अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, मतलब 10 मिनट के लिए हम ऐसे रख देंगे, उसके बाद आपको मिलते हैं। और अगर आपने अभी तक किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ वाले बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि उससे आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। अगर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो मजे की रेसिपीज मिलेंगी, वैसे भी 1000 से ज्यादा रेसिपीज है, आपको कोई भी रेसिपी चाहिए आपको किचन विद आमना में मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, मतलब अच्छे से हमने इसको धो लेना है, सिरका और नमक निकाल लेना है। चले तो ये देखिए विंग्स को हमने अच्छे से धो लिया है, नमक और सिरका सारा उतर गया, और इसका कलर देखिए वाइट वाइट सा हो गया। तो अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। दही लिए हमने 1/2 कप, पेपरिका पाउडर लिया हमने 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर लिया हमने 1 टीस्पून भर के, सिरका लेंगे 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे हसबे जायका, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून भर के नमक लिया है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमें विंग्स को मैरिनेट करने के लिए चाहिए। तो चलें अब इसको हम मैरिनेट करते हैं। तो सबसे पहले हम विंग्स पे लगाएंगे दही, लहसुन पाउडर, अगर पाउडर आपको नहीं मिलता तो आप लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं 1 टीस्पून, ठीक है, नमक, काली मिर्च का पाउडर, अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं, पेपरिका पाउडर, यहाँ पे जाएगा सिरका। चलें और अब इसे हम अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। तो चलिए मसाला हमने सारा लगा दिया है, 1-2 घंटे के लिए आप इसे रख दें मैरिनेट होने के लिए, और 1 दिन पहले भी करके रख सकते हैं, और मैं रखूंगी 1 घंटे के लिए, ठीक है, 1 घंटे के बाद मिलते हैं। तो 1 घंटा हो चुका है, तो विंग्स हमारे अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तो कोटिंग तैयार करने के लिए सिर्फ हमने यहाँ पे मैदा लिया है, तकरीबन ये है 1.5 कप मैदा, और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चलिए अच्छे से मिक्स कर लिया, मैदा भी रेडी है, चिकन विंग्स भी रेडी हैं, और पानी भी रेडी है। तो पानी हम यहाँ पे ठंडा ले रहे हैं, तो 1 चिकन विंग्स लेंगे और इसको हम मैदे का कोट करेंगे, इस तरह 1-2 करते जाएंगे वरना देर हो जाएगी हमें। चलें तो 1 कोट हमने कर लिया, अब इसको हम ठंडे पानी का डुबका लगाएंगे, ठीक है, झाड़ के। चलें और साथ ही निकाल लेंगे दूसरे हाथ से, और फिर से मैदे का कोट करेंगे। और अब जो मैदे का कोट करेंगे वो थोड़ा हम मसाज करेंगे जैसे हम करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ, इस तरह मल मल के। हाथ से अच्छी तरह से मलना है आपने, ये देखें कि क्रम्स बने, ठीक है, और रखते जाएंगे, ठीक है, इसको हम रखते जाएंगे। तो इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे।
तो ये देखिए सारे विंग्स हमने कोटिंग करके रख दिए हैं। अब आप चाहें आप इसे प्लास्टिक बैग में डाल के फ्रीज कर सकते हैं एक महीने के लिए, जब आपका दिल करे इसे निकालें और फ्राई कर लें तो ठीक है। तो लेकिन मैं इसे सारों को फ्राई करूंगी, तो हम ऑयल रख देते हैं गर्म होने के लिए और इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो चुका है, फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है और अच्छे से इसे गर्म करना है। उसके बाद फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है, तो मैंने मीडियम कर दिया है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर से डार्क कलर के हो जाएंगे, तो हमें थोड़ा लाइट कलर चाहिए, ठीक है। तो ये हल्का मीडियम गर्म ऑयल है और अब इसे हम डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो मेन बात यह है कि अंदर से कच्चे भी रह जाते हैं, तो चलें डालते जाते हैं और फ्राई करते जाते हैं। और फ्लेम आपने मीडियम टू लो कर देनी है, बाकी की हम बाद में करेंगे, पहले ये फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, पहले हमने फ्लेम को मीडियम रखा है ना, अब मैंने थोड़ा लो कर दिया, ठीक है। लो इसलिए किया है क्योंकि हमें ज़्यादा ये ना हो ऊपर से कलर आ जाए और अंदर से विंग्स हमारे गोश्त जो बोटी है वो कच्ची रह जाए, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा बोटी लगी हुई है। और एक और चीज़, ये बिल्कुल ऑयल में डूबे होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि ऑयल में डूबे ना हो, अगर ऑयल में नहीं डूबे होंगे ना तो ये ऐसा होगा कि ऊपर से उनका वो कलर नहीं, वो शेप नहीं आएगी जो आप KFC में जाके लेते हैं और खाते हैं, ठीक है। ऑयल ऑयल में डूबे होने चाहिए। तकरीबन हम इसको करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ठीक है। तो चले इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी से लग रहे हैं। बस इसको हम 6-7 मिनट और देंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, तो अब इनको हम डिश में निकाल लेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ऑयल में आपको ये लग रहे हैं ये लाइट कलर है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर छोड़ देगा, ठीक है। इसलिए ज़्यादा कलर आप देंगे ना तो बाहर आके और ज़्यादा डार्क कलर का हो जाएगा। ऑयल अच्छे से निकालें। और इसी तरह हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है ज़बरदस्त से KFC चिकन विंग्स, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और इसे हम खाएंगे टोमेटो केचप के साथ। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ज़बरदस्त से घर में इतने ज़्यादा बन जाएंगे। बाज़ार से तो बहुत महंगे मिलते हैं KFC से, तो आप घर में बहुत ज़्यादा बना सकते हैं ढेर सारे आसानी से और कम पैसों में। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो के कमेंट करके बताएं कि आपको ये KFC चिकन विंग्स की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी से KFC चिकन विंग्स की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।